और अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी भारत के सबसे अमीर शख्स हो गए हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में उनकी संपत्ति 11,61,000 करोड़ रुपए आंकी गई है और इस लिस्ट में अंबानी समूह के मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर हैं। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के प्रतीक बनते जा रहे हैं। बीते एक साल में उनकी संपत्ति 95% बढ़ी है और बीते 5 साल में देश के 10 सबसे अमीर लोगों के बीच बढ़ोतरी की सबसे तेज रफ्तार उनकी ही रही है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी की कुल संपत्ति 11.61 लाख करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पर रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी है, जिनकी संपत्ति 10.14 लाख करोड़ है। इस सूची में तीसरे नंबर पर HCL टेक्नोलॉजी के शिव नादर और उनका परिवार है, जिनकी कुल संपत्ति 3.14 लाख करोड़ रुपए है। चौथे नंबर पर साइरस पूनावाला है, जिनकी संपत्ति 2.89 लाख करोड़ रुपए है। और पांचवें नंबर पर दिलीप सांगवी है, जिनके पास 2.49 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन यह कुछ लोगों या समूहों के अमीर होते जाने की कहानी भर नहीं है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के पहियों को भी पहचाना जा सकता है। नए भारत में दूसरे देशों के मुकाबले अमीर बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। इस साल देश में 18 लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। बीते साल इस सूची में बस 12 लोग थे। 10 साल पहले बस 2 लोगों के पास 1 लाख करोड़ से ऊपर की दौलत हुआ करती थी। भारत में अरबपतियों की तादाद भी तेजी से बढ़ी है। इस लिस्ट के मुताबिक भारत में 1,539 लोग ऐसे हैं जिनके पास 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। बीते साल के मुकाबले 220 लोग और इस सूची में शामिल हो चुके हैं। यानी लगभग हर दूसरे दिन कोई न कोई भारतीय 1,000 करोड़ की सूची का हिस्सा बन रहा है। ये वो दौर है जब भारत में विकास की रफ्तार लगभग 7-8% की दर से बढ़ रही है। बेशक इसी के साथ बढ़ती असमानता का सवाल भी उठता रहा है, लेकिन जो बुनियादी ढांचा खड़ा हो रहा है वह एक विकसित भारत का भरोसा दिलाता है। और इस भरोसे के शिखर पर है अडानी समूह, जिसके विकास की रफ्तार देश की रफ्तार के साथ मेल खा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NETV इंडिया।